क्या बनने जा रहा अंकल ये हमारा? हमारा हो गया जी वेज बोटी टिक्का जो आपने बोला। और कितने पीस आते हैं इसमें? इसमें 12 पीस आएंगे सर जी। 12 पीस। ये ही पहले फ्राई होंगे? बिल्कुल सर, ये थोड़े से फ्राई होंगे। हमने नाम इसको बोटी टिक्का दिया तो कुछ कारण तो होगा, है प्योर वेज हमारा ये। प्योर वेज है? प्योर वेज है ये। 12 के भी अभी थोड़े से और बढ़ जाएंगे पीसेज आपके, क्योंकि ये नहीं कि बड़े पीस हैं तो हम उसको हाफ करके उसको एक दो की गिनती में ले लें, ऐसा नहीं है जी। मतलब प्रॉपर जो है बिल्कुल वो है। जो उठा के हमने दे देने हैं और दे देने, छोटा हो बड़ा हो। इसमें क्या कर रहे हैं अंकल जी? ये सर कट लगा रहे हैं ताकि अंदर तक पूरा पकना चाहिए। अच्छा, मतलब बिल्कुल कच्चा कहीं से नहीं होना चाहिए? ना जी ना, कच्चा प्रॉपर होना चाहिए। ये हल्का 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 हर पीस में, ठीक है सर। ये हमारा रेडी हो गया जी फ्राई के लिए। ये फ्राई होने जा रहे हैं हमारे। हो गया जी फ्राई रेडी हमारा। कितना टाइम लगेगा अंकल इसको फ्राई होने में? बस 1 मिनट सर, क्योंकि हमने सारा माल रेडी करा होता है, यहाँ कस्टमर की थोड़ी सी घर से रेडी करके लाते हो? बिल्कुल लगभग आपको? हाँ जी हाँ जी, हाफ डन होता है ये, और यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से फुल डन होता है। बिल्कुल जी। ये हमारा बोटी टिक्का रेडी है जी। रेडी हो गया बिल्कुल, ये फ्राई हो गई रेडी हो गई जी। लीजिए आप, ठीक है जी। इसमें आ गया जी हमारा ये चाट मसाला आ गया जी। चाट मसाला भी दो तरह का जाएगा जी, चटपटा भी जाएगा, स्पाइसी भी जाएगा जी। और फिर ये क्या हो गया जी? मिक्सिंग एंड मिक्सिंग। इसको आप नॉर्मल खाइए नींबू वाली। अरे जो हमारा रेडी हो गया? ये बिल्कुल रेडी है जी, इसमें कुछ भी नहीं और डालना हमने, क्योंकि हमारे इसमें पूरे प्रॉपर मसाले हमारे उसके ऊपर पहले लगे हुए हैं। साथ में इसके आप खाइए जी सलाद, क्रीमी सलाद। अजी को प्याज नहीं चाहिए होगा, वो प्याज नहीं लेता। हाँ वो तो कस्टमर भी अपने, क्रीमी सलाद है जी साथ में। साथ में दोना भर के क्रीमी सलाद जी, गर्मा गर्म रेडी बिल्कुल जी, गर्मा गर्म रेडी। इसके साथ आपको मेन्स और दी जाएगी, ठीक है।